हेलो फ्रेंड, दिस इज शुशांत एंड यू आर वाचिंग लाइफ इज ऑसम। तो सभी के घर में तो शेल्व्स रहते हैं, बट किस तरह से बनाते हैं वो आज मैं दिखा दूंगा। ये किचन प्लेटफॉर्म, किचन प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे इस तरह से बना दिया है। फर्स्ट क्या करते हैं फर्स्ट देखिए, 8 mm का बार यूज़ करते हैं। यूज़ करके जो है इसे विथ द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन के हेल्प से उन्होंने 1 इंच से 2 इंच तक लगा देते हैं पूरा अंदर। 8 mm का बार है मेन, आज एंड 8 mm या फिर 6 mm, दो टाइप के यूज़ करते हैं हम। तो फिलहाल यहाँ पे यूज है टोटली 8 mm बार्स एंड ये एंड टू एंड जो है 6 इंच एट सेंटर टू सेंटर स्क्वायर टाइप में नो बाइंडिंग करते हैं एक थिन वायर से। ये सब पूरा जो है रेनफोर्स्ड विथ कबूतर जाली का पूरा काम होने के बाद, फ्रेमवर्क होने के बाद नेक्स्ट आता है प्लास्टरिंग का वर्क। सो प्लास्टरिंग वर्क के अंदर ये मसाला में कितना सीमेंट, रेत और सैंड कितना डालते हैं वो मैं बताऊंगा। सीमेंट और रेत तो स्टार्टिंग से इस तरह से बनाते हैं, पूरा फ्रेमवर्क बार सब डालते हैं। फिर नेक्स्ट ये जो केजी हिसाब में मिलता है मार्केट में, इस तरह का केजी हिसाब में मिलता है एंड वो जो भी कबूतर का जाली है ना वो इस तरह से फिर इसे बाइंडिंग करते हैं। ये हो गया नेक्स्ट। इस तरह से बनाने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ अगला स्टेप क्या है। तो देखिए दोस्तों, पूरा रेत और मैं प्रेफर करता हूँ आपको यूज़ करें अल्ट्राटेक सीमेंट। काफ़ी बढ़िया सीमेंट है, हमारे एरिया में तो अल्ट्राटेक ही चलता है। एंड पूरा सब मिक्स करने के बाद पूरा मसाला अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, इस तरह से लगाते हैं। जो बोर्ड है ना इस तरह का, ये प्लाईवुड में मिलता है, इस तरह से इसे सपोर्ट देके उसका जो है यहाँ से उसे लगाते हैं इस तरह से। फिर ये स्टेप होने के बाद नेक्स्ट सीमेंट लेके उस पर थोड़ा सा छिटका देते ताकि वो ठीक से और अच्छा बाइंडिंग और बैठ जाए। एक